इसकी कोई लिमिट नहीं। लोग कहें तुमसे बहुत हो गया, अब क्यों मंदिर जाती है, क्या करेगी अब मंदिर जाकर, क्यों जाना मंदिर में, पर उससे कह देना भजन की कोई लिमिट नहीं है। जितना जितना सोने को तपाया जाता है, जितना जितना सोने को गर्म किया जाता है, उसमें निखार आते चले जाता है। उसी तरह जितना जितना आप भगवान के मंदिर जाते रहेंगे, उसकी चौखट तक जाते रहेंगे, आप तो एक बात अपने ध्यान में रख लो कि शंकर का मंदिर, शंकर का शिवालय, जहाँ शंकर का शिवलिंग रहता है, शिवालय रहता है, शिवजी महाराज जहाँ पर विराजमान रहते हैं, वो स्थान पारसमणि है और अपन लोहे का टुकड़ा है। जितनी बार पारसमणि के पास जाकर चिपकेंगे, उतना सोना बनते चले जाएंगे, ये निश्चित है। शिव पारसमणि है, शंकर भगवान पारसमणि है। जितना जितना हम उसके पास जाएंगे, जितना जितना हम उसके करीब पहुंचेंगे, उतना ये लोहे का शरीर काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह प्रपंच में फंसा हुआ ये शरीर उतना निखरता चले जाएगा, उतना निखरता। पाप करते करते मनुष्य थक जाता है। बचपन से लेकर मरने तक की अवस्था में भी वो झूठ बोलता रहता है, छल करता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, एक दूसरे को अपशब्द कहता रहता है, एक दूसरे को ताना देता रहता है, एक दूसरे को गाली देता रहता है। बचपन से लेकर मृत्यु की सैया पर पड़ा है, शमशान जाने की कतार पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है, तब तक भी वो छल करते रहता है। मनुष्य पाप करते करते नहीं थकता और मेरा महाकाल राजा माफ करते करते नहीं थकता। ये पाप करते रहे वो माफ करता रहे। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। अभी परसों के दिन हम महापौर जी के साथ हनुमान जी के मंदिर गए थे हनुमान जयंती पर, तो वो बताते हुए ले जा रहे थे, उनके साथ वाला बोला कि ये छोटी सी जो पान की दुकान है, ये महापौर जी इस दुकान पर बैठते थे। हमने उस दुकान को देखा तो जरा सी गुमठी, जरा सी गुमठी। हमारे मन में आया कि अगर महाकाल बाबा ने आपको किसी स्थान तक पहुंचाया है, महाकाल बाबा ने आपको अगर कोई पद दिया है, इस पान की दुकान से उठाकर किसी सिंहासन तक अगर बिठाया है महाकाल बाबा ने, तो ये महाकाल बाबा ने खुद की सेवा के लिए और उज्जैन निवास करने वालों की सेवा के लिए बिठाया। छोटी सी जगह से उठाकर अगर बड़े स्थान तक कोई पहुंचा दे तो उसको ये अहम नहीं आना चाहिए अपने को कि हमें यहां तक पहुंच गया, ना ना ना, उसकी कृपा ने, उसकी करुणा ने, उसने हाथ पकड़ा, जो जल चढ़ाया उसने हाथ पकड़ कर खींच कर पहाड़ तक लेकर आ गया, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शिव क्या प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो जब देता है अंत में, गाड़ी की स्पीड की लिमिट है, परीक्षा हॉल में लिखने की लिमिट है, बैंक में जमा करने की लिमिट है, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। वो कब कृपा कर दे, कब दया कर दे, कब करुणा कर दे,
कब वात्सल्यता कर दे, कब उसकी कृपा बरस जाए। आप विश्वास के साथ में कथा को सुन रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा का स्मरण कर रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा को सुनने बैठे हो, और जितने भरोसे के साथ आप सुनोगे, जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवण करोगे, उतने विश्वास के साथ वो आपकी झोली भरने के लिए आतुर रहेगा। पाप करते करते मनुष्य नहीं थकता, और कृपा करते करते मेरा काल अधिपति महाकाल नहीं थकता। कितना पाप कर रहे हैं, जितने अवंतिकापुर के निवासी हैं, जितने उज्जैन के निवासी हैं, इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, बैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है, तो उस तीर्थ का जो भगवान है, उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है, अरे कमाए कि मंदिर जाए, मंदिर में भीड़ है हम नहीं जाएंगे, पत्नी कह रही भीड़ है हम नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे भीड़ है हम नहीं जाएंगे। घर में अवंतिकापुरी में निवास करने वाले के एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है, तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन करकर या उसके शिखर का दर्शन करकर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है, शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन। दुकान, घर, घर का यदि एक व्यक्ति भी जिस जिस तीर्थ में रहता है, उस तीर्थ का जो मालिक है, उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए, तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया, जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछा कर, और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं, उज्जैन की माताएं भी, उज्जैन के लोग भी अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहाँ पंडाल में सो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं, उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे फोन लगा कर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है वापिस आ जाओ, नहीं नहीं मुझे यहां रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगा कर कह दिया मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तू छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई, 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी,
वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। जितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिपकी लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं, हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनसे उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, पर वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम। थोड़ा सीओर वाला महाराज बुरा जरूर है, बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते। हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है, उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी कृपा, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बिस्तर लेकर आ गई उज्जैन की माताएं, पड़ी हैं, पड़ी। अरे धन्य है मेरी उज्जैन की, ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन, ये अवंतिकापुरी है, अवंतिकापुरी। लोग कहते हैं उज्जैन के लोग, ये उज्जैन के लोग दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं। यहाँ उज्जैन के एक एक कपड़ा व्यापारी भी पीठ पर पानी की टंकी को बांध कर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। ये उज्जैनी है, ये अवंतिकापुरी है। यहाँ इतनी कथा में गए, किसी कथा में रात्रि के समय पर आकर किसी ने दही बड़ा नहीं खिलाया, पर ये जो उज्जैन की कथा है, आधी रात को टंकी सिंटेक्स की भर के दही बड़ा, आलू बड़ा, खिचड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, बिस्कुट, हलवा, लौकी का गजब, और कहे लौकी के हलवे में जितनी लौकी कम उतनी काजू ज्यादा, गजब। पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे, अरे धन्य है रे उज्जैन वालों, दिल लूट लिया तुमने तो, गजब गजब। ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की, और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमको, इसी पहचान को। उज्जैन में आने वाला, महाकाल की नगरी में आने वाला महाकाल का मेहमान नहीं है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आने वाला हमारा भी मेहमान है, और उसके लिए पलक पावड़े भी छाए उज्जैन वालों। धन्यता है, साधुता, साधु। क्या रात्रि को माताएं भजन गाने में लगी हैं, खूब आनंद में नाचना। इस बोलो दीजी जी, आनंद है, खूब भजन, खूब कीर्तन, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या आनंद का, इसी को आनंद करते, इसी को। धन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को, कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर सर हो, चाहे एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि आदि जितने भी थे, सब जैसे ही तेज हवा चलने लगी, पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सब आकर खड़े हो गए। धन्यवाद पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साधुता है। भजन का, कीर्तन का एक आनंद है, सुख। ये नहीं कि प्रकाश जी लगे हैं या महापौर जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे, नहीं, इनके सब साथ में मिलकर चलो, स्मरण भक्ति का यही बल है। अगर हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते, तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं, उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर, तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा, पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है,
और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए, पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, एक महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धोली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना, दाग रह जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पी, उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी धोया, चाय गिरी धोया, कॉफी गिरी धोया, सामान गिरा धोया, खीर गिरी धोया, अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए, उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा। हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है, ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे, इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे? क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई कह मैं नागपंचमी पे जाती, कोई कह मैं अष्टमी पे जाती, कोई कह मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई कह मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है, मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं, दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है, वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दीजो। तो बहू के मम्मी, कल भी तो रोटी बनेगी, तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला, और बेला तो रोटी फट गई, रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाई नहीं, चकोटी नहीं धोके रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धोके रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी, रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं, और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे, रोज का धोकर रखोगे तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तो क्या भगवान हमको देखता है?
क्या भगवान हमको देखता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, इतने लोग बैठे हुए हैं, आप किसी एक व्यक्ति को थोड़ी देर तक देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, कुछ मत बोलो, केवल देखते रहो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, केवल देखते रहो, देखते रहो। और यदि आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो एक ना एक बार आपकी निगाह उसकी निगाह से मिल जरूर जाएगी। उसी तरह तुम मंदिर जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, एक ना एक दिन वो मेरे महाकाल बाबा से आपकी निगाह मिल जरूर जाएगी, ये निश्चित है। अब जाओ उसकी चौकी। अपने चित्त को उससे जोड़ने का प्रयास करो। कितना भय दिया, कितना डराया, कितना डराया, तो भी पार्वती जी मानी नहीं। आखिरी में शिव जी को माता पार्वती ने अपना बना लिया। समय आया, पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार गंगा जी के जल से प्रागट्यता हो गई और षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार जब गंगा जी के जल से प्रागट्यता हुई, तारकासुर को मारना है। ये तारकासुर कोई साधारण सा नहीं है महाराज, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, शिव जी का विरोध किसी से नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, इंद्र के दुश्मन हो सकते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के दुश्मन हो सकते हैं, पर मेरे महादेव का कोई दुश्मन नहीं है। अंधकासुर, तारकासुर, भस्मासुर, इन असुरों का संवाद निकाल कर देखिए, एक एक असुर की बात निकाल कर देखना, एक एक, और ज्यादा दूर नहीं, आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव महापुराण की कथा हो तो उसको पढ़कर देखना आप, किसी का विरोध महादेव से नहीं है, एक का भी। कंस का विरोध महादेव से नहीं, रावण का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्यकशिपु का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्याक्ष का विरोध महादेव से नहीं, महादेव से किसी का विरोध नहीं। फिर लोग कहेंगे कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान ने, उनके पुत्र ने तारकासुर को मार दिया, उनने भस्मासुर को मार दिया, उन्होंने इसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया, इतनी कथाएं आती है शिव महापुराण में इन राक्षसों के संहार की, असुरों के संहार की, फिर इन्होंने क्यों मारा? आखिर इन्होंने मारा क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं है, इंद्र की सत्ता हिलती है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं, जब जब असुर आते हैं, जब जब राक्षस बढ़ते हैं, जब जब उपद्रव मचाते हैं, ये सब घबराने लगते हैं और घबराते घबराते देवाधिदेव महादेव के पास चले जाते हैं। महादेव कहते हैं क्या चाहिए तुमको? तब देवता कहते हैं इन असुरों का संहार कर दीजिए, इन राक्षसों का संहार कर दीजिए, इन असुरों का संहार कर दीजिए। तब शिव जी कहते हैं इनका मेरे से विरोध नहीं, मैं क्यों मारूं इनको? तब देवता कहते हैं आपसे विरोध नहीं है पर हमसे तो है, इंद्र की सत्ता चाहते हैं ये, इधर आवाज बढ़ाओ, क्या नहीं है? इसी में से एक स्पीकर उधर मोड़ दो, हाँ इसमें से एक स्पीकर उधर थोड़ा सा मोड़ दीजिए, माई स्पीकर नहीं है तो लगा देना चाहिए थे थोड़े से चोंगे वोंगे, शिव जी का किसी से विरोध नहीं, भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं,
इंद्र का विरोध है क्योंकि इंद्र की सत्ता पाने के लिए वो आक्रमण करते हैं, बैकुंठ को पाने के लिए आक्रमण करते हैं, एक अच्छे लोक को पाने के लिए असुर राक्षस आक्रमण करते हैं। एक अच्छे लोक को पाने के लिए, पर किसी राक्षस से कहा जाए, किसी असुर से कहा जाए कि तुम बैकुंठ मत लो, तुम इंद्र लोक पर आक्रमण मत करो, तुम बैकुंठ लोक पर आक्रमण मत करो, तुम तो एक काम करो, यहां पृथ्वी पर आओ और कैलाश लोक ले लो, भगवान शंकर का कैलाश ले लो, भगवान शिव का कैलाश धाम ले लो। नहीं, असुरों को राक्षसों को इंद्र लोक चाहिए, बैकुंठ लोक चाहिए, ब्रह्म लोक चाहिए, पर कैलाश धाम नहीं चाहिए। कारण क्या है? इंद्र लोक मिल जाएगा तो सत्ता धारण करेंगे, बैकुंठ लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, ब्रह्म लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, और अगर कैलाश धाम मिल गया तो मां सत्ता नहीं, मां केवल भजन हो पाता है, भक्ति हो पाती, और कुछ केवल भजन होगा, केवल भक्ति होगी, केवल स्मरण होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब यहां क्या हो रहा है? ये आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, यहाँ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ कोई सत्ता की बात, कोई वैभव की बात, कोई राज सत्ता की बात, कोई अन्य बात? ना ना, यहाँ तो केवल एक काम है, भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर बैठे हो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो छिपरा मैया की जय, महाकाल राजा की जय, हर सिद्धि माता की जय, काल भैरव भगवान की जय, जितनी देर बैठते हैं उतनी देर हम भगवान का जय घोष करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कारण केवल एक है, इंद्र लोक मिल गया तो इंद्र का सिंहासन मिलेगा, बैकुंठ अगर हो गया असुरों का तो बैकुंठ का सिंहासन मिलेगा, ब्रह्म लोक पर आक्रमण कर लिया तो ब्रह्म लोक का आधिपत्य उनको प्राप्त हो जाएगा, पर यदि कैलाश पर आक्रमण करा तो कैलाश तो वो भूमि है, कैलाश वो जगह है, कैलाश वो स्थान है कि मृत्यु लोक पर अगर अगर आक्रमण कर भी दिया और ये मिल भी गया तो इसमें केवल भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है, स्मरण हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। रावण रावण अपना विमान लेकर जा रहा है और रावण अपना विमान लेकर जा रहा है और विमान में बैठकर जब रावण इंद्रलोक से निकल कर गया, विमान नहीं रुका, बैकुंठ लोक से निकल कर गया, विमान नहीं रुका। एलईडी चालू करो उधर की, एलईडी बंद है क्या? एलईडी चालू कर उधर की। इंद्रलोक से निकल कर गया, विमान नहीं रुका बैकुंठ, बैकुंठ से निकल कर गया, रावण का विमान नहीं रुका। ब्रह्मलोक से निकल कर गया, रावण का विमान नहीं रुका। पर रावण जब विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगा तो विमान आगे उड़ने को तैयार नहीं हुआ और भूमि पर आकर गिर गया। भूमि पर आकर जैसे ही विमान गिरा, जैसे ही जमीन पर आकर विमान गिरा, रावण ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और पता करा कि बताओ ये, मैं बैकुंठ गया तो विमान नहीं रुका, इंद्रलोक गया विमान नहीं रुका, ब्रह्मलोक गया विमान नहीं रुका, गरुण लोक वरुण लोक सारे लोकों पर घूम कर आया पर ये विमान नहीं रुका। ये विमान जब कैलाश के ऊपर से जा रहा है तो ये विमान क्यों जमीन पर रुक गया? ये उधर जाता क्यों नहीं? कैलाश के ऊपर से उड़ता क्यों नहीं? आखिर ये कैलाश के ऊपर से जा क्यों नहीं रहा? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये विमान आगे क्यों नहीं जा रहा? तब गुप्तचरों ने कहा, इस कैलाश पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, इस कैलाश पर भगवान शंकर विराजमान हैं, इसलिए ये विमान उस पर से नहीं जा सकता। इतने में रावण को क्रोध आ गया, रावण को क्रोध आया और रावण ने कहा, विमान
कैलाश पर्वत पे से नहीं जा सकता तो मैं कैलाश को उठा कर ले जाता हूं। और रावण ने कैलाश को उठाना चाहा। पार्वती जी थोड़ी सी डोल गई, शंकर भगवान का सिंहासन थोड़ा सा हिला, हिलते से ही पार्वती जी ने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया। महादेव पे जल चढ़ाते से महादेव जी ने पूछ लिया, पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कर रही हैं, रावण ने कहा है इस पर्वत को उठाकर कोने में रख देता हूं, मेरे विमान के बीच में आ रहा है। शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात है तो रुकी जा। और जो शंकर भगवान ने अपना पांव नीचे लटकाया और अंगूठा नीचे टिकाया, रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। लंकापति रावण के दोनों हाथ, लंकापति लंकेश के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दबे थे, हाथ हिल नहीं रहे थे, हाथ दब गए, इतने दब गए कि हिलने को तैयार। अब ये रावण का हाथ कैसे हिले, ये हाथ कैसे हिलेगा? पर्वत का वजन लगा, रावण चिंगाड़ पड़ा। चिंगाड़ा इतनी तेज चिखार रावण की थी कि इंद्रलोक, गरुण लोक, वरुण लोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पताल, तलातल, रसातल सब हिल गया। इतना तेज चिल्लाया, हाथ पर्वत के नीचे फंसा था, निकल नहीं रहा था रावण का हाथ, इतना भयंकर हाथ फंसा। अपने गुप्तचरों से कहा कोई तो आओ। आवाज लगाई, रावण ने चिंगारा, चिल्लाया, एक गुप्तचर उसके पास में नहीं आया। सुख होता है तो गुप्तचर भी तुम्हारे साथ होंगे, सुख होगा तुम्हारे साथ में सब होंगे, सुख होगा तुम्हारे साथ ढेर खड़े होंगे, सुख होगा, निष्ठा होगी, पद होगा, सत्ता होगी, कुर्सी होगी, तुम्हारे साथ करोड़ों लोग खड़े मिलेंगे। जैसे ही दुख आया, थोड़ा सा तुम्हारा काम बिगड़ा, थोड़ा सा तुम्हारा बस प्रतिष्ठा, नाम, काम थोड़ा सा खत्म हुआ कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। ये रावण की कथा। भाई रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है विनाश काले, बोल जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है। इतना विद्वान, सारे वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे, 9 ग्रह उसके यहां बंधे पड़े थे, सोने का महल, सोने की अटारी, समुद्र के बीच में पुष्पक विमान उसके पास में था, और बुद्धि कहां गई? कोई पूछ रहा था, गुरुजी ये बुद्धि क्यों बिगड़ जाती है? हमने कहा ऐसा नहीं है कि बुद्धि कभी कभी बिगड़ती है। जैसे नारी स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, रजो धर्म में आती है, स्त्री 7 दिन तक काम नहीं करती है, उसी तरह महीने में एक बार बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, 7 दिन काम नहीं करती। केवल नारी रजस्वला धर्म में नहीं आती है, केवल स्त्री रजो धर्म में नहीं होती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजो धर्म में आ जाती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कोई अच्छा काम नहीं करती, शुभ कार्य में नहीं जाती। उसी तरह जब मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर दे, गलत जगह पर जाने लगे, बुद्धि काम करना बंद कर दे, समझ लेना विनाश का समय आ रहा है, तो रजो धर्म आ गया बुद्धि में। इसलिए 7 दिन तक स्त्री कोई काम नहीं करती तो तुम भी कम से कम 5 दिन 7 दिन ठंडे दिमाग से सोचना, बुद्धि जब सही हो जाएगी अपने आप काम करना चालू कर देगी। रजो धर्म से आ गई बुद्धि भी।
बहुत जल्दी में लिया गया निर्णय खराब हो जाता है, बहुत जल्दी में, क्विकली निर्णय। बोला साहब लड़की पसंद है क्या तुमको? आज की आज बोलना पड़ेगा, हां भरो या ना भरो। बोलो साहब मैं तो अभी के अभी सुन के जाऊंगा। और एकदम चुटकी में ना तुरंत निर्णय लेने की तैयारी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम भी घर जाओ आराम से सोचो, ये भी घर जाएं आराम से सोचें, लड़की के लिए लड़का ठीक है क्या, लड़के के लिए लड़की ठीक है क्या, परिवार हम दोनों के लिए भी आई जी साहब ठीक है क्या, है संधि जी एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला है कि नहीं, सोचे तो सही। कभी कभी बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, गलत जगह पर चली जाती है, गलत विवेक गलत बुद्धि गलत जगह पर पहुंच जाती है। हम सोचते अच्छा है पर गलत जगह पर जाती है। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर में दर्शन करने गए, शंकर जी को जल चढ़ाने गए और मंदिर में जाकर बुद्धि बिगड़ गई। राम राम कितना कीचड़ करके रखा है पंडित जी, थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? तो तू क्या कर रही, तू ध्यान रख रहे, सब पंडित करेंगे तो तुम क्या करोगे? बुद्धि कहां गई थी? लोटा भर के जल चढ़ाने, चढ़ाना किसको था? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, महादेव को। और दृष्टि कहां चली गई? इतना मंदिर में आ रहा है पर रत्ती भर का काम नहीं करा रहा, सब खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। अब तू जल चढ़ाने गई थी कि पंडित को देखकर ये देखने गई थी कि कितना आ रही है और कितना खा रही है? बोलो विनाश काले, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? एक मिनट में बुद्धि बिगड़ गई, एक मिनट में। पड़ोसी की यहां फोर व्हीलर गाड़ी आई, उन्होंने तो पड़ोसन के नाते तुमको बुलाया, आंटी नई गाड़ी आई है, हमारा मन कर रहा है कि आप भी पूजन में शामिल हो। आंटी आके खड़ी तो हो गई, पूजन भी हो रही, पर अंदर से आंटी अब आंटी जाने की वो आंटी के अंदर कितनी घंटी बच रही है। बुद्धि ठीक नहीं है। स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, नारी रजो धर्म में आती है। सात दिन तक वस्तु नहीं छूती, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कहीं जाती नहीं, आती नहीं, कोई वस्तु को छूती नहीं। तुम्हारी बुद्धि भी जब गलत जगह जाने लगे तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि रजो धर्म में आ गई है। कोई फालतू की बात किसी से मत करो। अगर लोग जबरदस्ती तुमको गाली दें तो समझ लेना कि बुद्धि रजस्वला होने वाली है। इसको गाली दे लें दो, तुम सात दिन ठंडे होके आराम से शिव पुराण की कथा में देपालपुर चलो। तो कथा बोले बोले तो एक शब्द भी आड़ा तेड़ा मत बोलो, एक शब्द भी, वो कितना ही बोले, वो कितना ही आड़ा तेड़ा कहे, बुद्धि तुम्हारी बिगाड़ने आया है। रजो धर्म का समय बुद्धि कहा गया? थोड़ा समझना, चुप रहना, सात दिन निकाल देना, ऐसे कोई तुमसे कितना ही के कथा हो जाएगी तब तुझे अच्छे से देख लूंगा, कह देना मैं तैयार होके तेरे दरवाजे पे आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं भी आ जाऊंगा तैयार होके, सुबह का नाश्ता वास्ता बना, भाभी पोया अच्छा बनाया, नुक्ती का सेव डाल के खा लेंगे, कई दिक्कत है, देख लेना, और दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, उसमें कई दिक्कत। पर बुद्धि जब रजस्वला होती है, विवेक जब रजस्वला होता है, गलत विचार गलत सोच गलत दृष्टि। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, मंदिर की मूर्ति को नहलाने से पहले, मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले भी किसी किसी की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सोचने लगता है। किसी किसी के साथ ये भी होता है। जब हम
भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पल ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र लाल चंदन दोनों पत्ती में, पीछे पीला चंदन, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए, दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव प्रकट कब होता है? भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में काज फिर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े, बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे, जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है, कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर ना चलेगी तो क्या होगा, जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है, जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दम कर चलती ही है, ये पत्ती का नियम है। बेलपत्र कौन से दिन करना है? जमके बोलो, जमके जरा, सोमवार की अष्टमी के, शिव तत्व का उसका स्मरण हमारे को फल प्रदान कर देता है। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाता है, दो क्षण के लिए हम मौन होते हैं, तब उससे पंडाल में बैठकर ये बात कह देना शिव पुराण के सामने कि मैं तेरे भरोसे पर आई, तेरे बल पर आई, विश्वास कहता है बाबा इतने पत्र जो भेजे हैं इसमें एक पत्र मेरा भी 3 महीने के अंदर यहां पहुंच जाएगा, ये विश्वास सहजता नहीं है शिव पर। आप करोगे भजन तो मिलेगा उसका फल। रावण का हाथ, ये जो पुष्प की माला आई,
ये फिरोजाबाद से प्रत्येक शिव महापुराण में ये फूल की माला बनाने वाला भैया एक साधारण सा गरीब सा है, पर हर साल हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी पधारे हैं। रामानुज कोर्ट से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माला जो भाई लेकर आते हैं वो फिरोजाबाद से इतना नीचे आ गए थे, बाबा से प्रार्थना करी, हर कथा में फिरोजाबाद से माला लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिसमें वो नहीं आते। ये शिव तत्व, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, उदारता, उनकी कृपा। एक बार हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी सरकार रामानुज कोर्ट से पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सरकार का। आपका आशीर्वाद पूर्व में भी हर पल हर क्षण प्राप्त होता रहा है। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह सरकार का रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कह रही, भरोसा नहीं टूटना चाहिए, विश्वास डिगना नहीं चाहिए। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। लंकाधिपति रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, उसका कारण केवल इतना था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको अभी कथा में कहा कि बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, काम नहीं करती। 7 दिन उस बुद्धि को भगवान के सहारे पर छोड़ देना चाहिए। जब तुम्हें लगे मन काम नहीं कर रहा, तुम्हें लगे कि चित्त काम नहीं कर रहा, तुम्हें लगे कि अब ये हृदय, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो समझ लो कि यह रजो धर्म में हो गई। इसको भी पड़े रहने दो, अब कोई नया काम अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा रुको, फिर सोचेंगे। पर लंकापति रावण ने तो बड़ी जल्दबाजी करी। ऊपर से अगर विमान नहीं गया तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने का विचार कर लिया, और कैलाश पर्वत को उठाकर एक और रखने का विचार करा, चिंगार दिया, हाथ दब गए। तब क्षमा मांगी भगवान देवाधिदेव महादेव से। जिस समय चिंगार रहा था उस समय पर जो साथ में रहने वाले थे वो भी भाग गए थे, कोई बच्चा ही नहीं, कोई नहीं बचा। सुख की घड़ी में सब साथ देंगे, पर दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो दुख की घड़ी में केवल एक ही है, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो आपका साथ देगा, ये निश्चित। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप सब बोले, दीनानाथ तू नहीं बोलेगा, जितने बैठे हो सब
इस लाइन को बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, मेरे बाबा दयाल मैं तेरे परोसे, मेरे बाबा दयाल मैं तेरे, ना घर के ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। उसको पुकारना, उसके भक्ति में उसके विश्वास में डूबना, सब चले जाएंगे। रावण को छोड़कर भी चले गए जब हाथ दब गए। जब व्यक्ति दबता है, जब व्यक्ति के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, जैसे रावण के हाथ पर पर्वत रखा गया, जब दुख का पहाड़ मनुष्य पर टूटता है तब सब छोड़कर चले जाते हैं। सब कौन साथ देगा, कौन देगा साथ? एक गुजरात के कोई भाई ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मुझे लिखना भी नहीं आता, मेरी भाषा समझे ना समझे। आइसक्रीम का ठेला लगाता है, जिसने लिखा होगा वो अगर बैठा होगा तो दोनों हाथ हिला देना, भाई पत्र ढूंढूंगा फिर पढ़ूंगा, पत्र ढूंढूं फिर पढ़ूं, तो कोई बैठा हो वो तो हाथ हिला देना। आइसक्रीम का ठेला लगाता था, एक बार आइसक्रीम के ठेले में घाटा लग गया, किसी से पैसा ले आया और पैसा लाकर फिर वापिस आइसक्रीम के ठेले में लगा दिया, उसने वापिस लगाया और फिर ठेले में लगाया, फिर कर्जा हो गया, कर्जा बढ़ते चले गया, बढ़ते चले गया, बढ़ते चले गया, आखिरी में करे क्या, रोता बिलखता, रोटी तक लोग खाने नहीं देते, ठेला उठाकर ले गए, रोड पर बैठकर सब्जी का सामान बेचने लगा। सब्जी का सामान बेचते बेचते सब्जी की टोकरी भी उठाकर ले गए, जिनका कर्जा देना था। पत्र देखिए उसने लिखा, बैठा हो तो हाथ उठाना, और सब्जी की टोकरी भी उठाकर ले गए उसकी, नहीं बची। जब भी वो कोई काम करता जिसका कर्जा था वो उठा उठा कर ले जाता, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ। करे तो करे क्या, आखिरी में उस कतार पर पहुंच गया कि अब इस प्राणों को नहीं रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार पशुपति व्रत कर लेते हैं, अगर बाबा चाहेगा तो कर्जा तो चुकाएगा। सियोर वाला महाराज कहता रहता है करे तो सरी। और बहुत प्रयास करा उसने, पत्र है इसमें, बहुत प्रयास। पशुपति व्रत प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आंवले के वृक्ष की पूजन चालू कर दी, जो पहले कार्तिक महत्तम में वर्णन कर। उसने पत्र में लिखा है गुरु जी दो सोमवार निकले, कोई रोज निकल कर जाता था, उसने देख लिया और उसने कहा मैं डलिया छुड़वा देता हूँ, ठेला छुड़वा देता हूँ, और उसने मेरा ठेला छुड़वाया। मात्र 20-22 हजार का कर्जा था, मैंने फिर बाबा का नाम लेकर आइसक्रीम का ठेला चालू करा और बाबा की कृपा से कर्जा भी चुक गया। अब 4 ठेले बाबा की कृपा से आइसक्रीम के चल रहे हैं। शिव तत्व, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, छूटना नहीं चाहिए। आएगा दुख, दुख की घड़ी होती है तो सब हाथ खींच लेते हैं। लंकापति रावण का हाथ कैलाश के पर्वत में दब गया, और कैलाश पर्वत में इसलिए दबा क्योंकि विनाश काले विपरीत
बुद्धि, इसको ये अंदाजा था कि यहाँ शंकर जी बैठे हैं, महादेव बैठे हैं। असुरों से भगवान का कोई बैर नहीं था, पर देवताओं का बैर था, इसलिए महादेव उनके कल्याण का कार्य करते हैं, कल्याण का। अब छूटे कैसे? प्रार्थना करी देवाधिदेव महादेव से, प्रभु कृपा करिए, मेरा हाथ पर्वत में दब गया है, करुणा करिए। महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, एक लोटा जल चढ़ाया और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी सहजता, इतनी सरलता मेरे महादेव। किसी देवता को जितना अपशब्द नहीं कहा जाता, उतना अपशब्द महादेव को कहा जाता है। भगवान विष्णु को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, ब्रह्मा जी को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, इंद्र को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, सबसे ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलते हैं तो महादेव को बोलते हैं। गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, नग्न वेशधारी है, नग्न स्वरूप, बैरागी है, तांत्रिक है, विद्याल करने वाला, अघोरी है, अड़भंगा है, शमशान में रहने वाला है, भस्म रमाने वाला है, कितने कितने शब्द महादेव को बोले जाते हैं, कितने शब्द। उसके बाद भी कर्पूर गोरम करुणा, उसके बाद भी शांत है, सहज है, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, उसे कोई मतलब। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलना, कभी भी लात मार देते हैं। जम के बोलो जरा, किसके पीछे नहीं चलना और किसके आगे नहीं चलना, सीख के जाना है शिव पुराण में से। घोड़े के पीछे कभी मत चलना, पैसे वाला बहुत करोड़पति है उसके आगे मत चलना, बहुत धनपति हो, ज्यादा व्यापार चल रहा हो, खूब उसके पास में गाड़ी बंगला हो, उसके आगे मत चलना। घोड़े के पीछे चलोगे और पैसे वाले के आगे चलोगे, कभी भी लात मार देगा, पर मेरे महादेव के साथ चलोगे तो जिंदगी को तार देगा। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, हमारे सेठ जी, दानवीर सेठ जी, करोड़पति सेठ जी, सेठ जी सेठ जी करके कब तुम्हें लात मार देगा, पता नहीं पड़ेगा। री जी जी और जी जाओ, बहुत सावधान। और घोड़ा के पीछे मत चलना, घोड़ा भी कभी भी लात मार सकता है, कभी भी। अगर चलना तो मेरे महादेव के पथ पर, मेरे महादेव के मंदिर के द्वार पर, मेरे शिव की चौखट पर चलना, वो हाथ पकड़कर तार दे। मेरा महादेव कभी लात नहीं मारता, मेरा महादेव कभी लात नहीं मारता। एक पत्र में एक भाई का पूरा चेहरा, पूरा शरीर जल गया लाइट के कारण, पूरा शरीर लाइट का करंट लग गया, पूरा शरीर जल गया। अब शरीर जल गया तो जले हुए शरीर से वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा शरीर ठीक हो जाए। उसने कहा पत्नी ने, नहीं वो सियोर वाला महाराज बोला है कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल साधारण नहीं हो सकता, शिव पर चढ़ाया गया जल सिंपल नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होगा। इसका फोटो दिखाओ, सब लोग टीवी पे देखना, इस व्यक्ति का पूरा शरीर जल चुका था, पूरा शरीर इसका जल चुका था। ये दिनेश पाटिल नांदुरबार महाराष्ट्र से, मेरा पूरा शरीर चेहरा, बिजली का काम करता हूं गुरुदेव, तो पूरा शरीर जल चुका था। कहीं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा शरीर जल चुका था गुरुदेव। 7 जनवरी 2023 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर ने कहा यह 75% जल चुका है, इसका शरीर काम नहीं करेगा, इसका शरीर वापिस वैसा नहीं होगा जैसा था। पर मेरी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी, वो कहती है शिवजी पर चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल है, वो रोज मंदिर जाए, जल चढ़ाए, लाकर दे मेरे को, उस जल से पोछे और मेरे शरीर को छींटे। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था तुम चल नहीं पाओगे, शरीर साथ नहीं दे पाएगा,
पूरा चेहरा बेकार हो जाएगा। 45 दिन का डॉक्टर ने समय दिया था, 20 दिन में मेरी पत्नी ने जल चढ़ा चढ़ा कर मेरे शरीर को अच्छा कर दिया। मैं यहाँ बाबा के दरबार में खड़ा हूँ। एक बार हाथ हिला दो। अब चेहरा पूरा ठीक है, हाथ पैर पूरे ठीक है, मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, यो घड़ी बैठी है, हर हर शिव तत्व इसको कहते हैं, शंकर का गुणगान इसको कहते हैं। वो भजन, वो कीर्तन, उस पर किया गया भरोसा। फिर कहूंगा, घोड़े के पीछे पैसे वाले के आगे मत चलना, लात मार देंगे कभी भी। महादेव के साथ चलना, कभी लात नहीं मारेगा, हाथ पकड़कर पार कर दे, हाथ पकड़कर पार करेगा मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, मेरा महादेव। उसके साथ चलने का प्रयास करिए, उसके साथ चलेंगे तो जीवन की सार्थकता होगी। तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय बाबा का स्मरण हुआ सुंदर। अभी एक झांकी का दर्शन बाद में करेंगे, पहले आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका आशीष वचन, थोड़ा सा 2-4 मिनट का आशीष वचन अपन